हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है, जो ये शर्ट आप देख रहे हैं इसी का हम DIY करने वाले हैं, इसका रीयूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं हम क्या बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो शर्ट का ऊपर का पार्ट है, हम यहाँ इसके शोल्डर हैं, हम शोल्डर से 3 इंच पे निशान लगाने वाले हैं। हमारे शोल्डर है 3 इंच, यहाँ से हमें जो है 3 इंच पे एक निशान बना लेना है। और यहाँ से जो ये हमारी आर्म होल है, यहाँ तक हमें गोलाई दे देनी है, गोलाई से शेप बना लेना है। इस तरीके से, इसी तरीके से हमें इधर भी करना है, 3 इंच पे निशान लगाना है। अब जो है हमें इसे कट कर देना है। हम जो है, मैं जो इसकी कॉलर एज इट इज रखने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से राउंड शेप या फिर वी शेप भी बना सकते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब जो ये हमारी शर्ट का नीचे का पार्ट है, इसमें जो है राउंड दिया हुआ, हमें एकदम सीधा कटिंग करना है इसकी। तो हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब जो हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स में से हम ये वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे। अब जो है हमें स्लीव्स में बटन्स वगैरह ये निकाल लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे, 2 टुकड़ों में बांट देंगे उसे, और फिर एक जैसी 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। एक स्लीव्स में से 2 निकले, इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। हम देख सकते हैं इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स में से जो है इस तरीके की 4 इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ कट की है। तो अब हम इन सभी को एक दूसरे में यहाँ से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे, ये 2। फिर इसके बाद इसमें ये वाली जॉइंट कर लेंगे, फिर इसके बाद ये वाली जॉइंट कर लेंगे। अब जो हमारा ये नीचे के पार्ट में से और ये साइड में से स्लीव्स में से थोड़ा कपड़ा बचा है, इसकी हम इतनी छोटी थोड़ी इस तरह से पाइपिंग टाइप से पट्टियाँ काट लेंगे। और इन्हें जो है, हमें जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी, यहाँ पे इस तरीके से सेट करके लगाना है यहाँ पे। अब जो हमें इन 4 पट्टियों को जॉइंट कर लेना है, डबल डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़े में वो कपड़ा खिसके ना और अच्छे से रहे, इसलिए हमें डबल सिलाई लगा ले। अब जो है हमें इसे नीचे की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है, पूरे में सिलाई लगा देनी है नीचे तक, क्योंकि ये पार्ट जो है नीचे आएगा और नीचे से वो फोल्ड रहना चाहिए, इसलिए हम सिलाई लगा देंगे। आप पीको वगैरह भी करवा सकते हैं इसमें। इसके बाद जो नीचे पार्ट आता है जहाँ बटन वाला, वहाँ पे हमें थोड़ी सी 1/2 इंच तक सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हम नीचे फ्रिल लगाने वाले हैं फ्रिल टाइप से, इसलिए हमें थोड़ा सा वहाँ जॉइंट कर लेना है ताकि वो वहीं पर सेट रहे, इधर उधर खसके ना। अब जो है हमने 4 पट्टियाँ काटी थी नीचे फ्रिल लगाने के लिए, उन्हें एक दूसरे में सभी को जॉइंट कर लेना है, एकदम गोल बना लेना, एक तरफ से भी उन्हें खुली नहीं रखना है हमें, इस तरीके से। अब जो है हम बराबर करके कपड़े को उसके एक कोने को एक तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि कपड़ा जो है बराबर रहे आगे पीछे
और हमारे जो हम सल फ्रिल लगाने वाले हैं वो बराबर लगे आगे और पीछे, इसलिए हमने उसे गोलाई में सिला था। अब हम बराबर इस तरीके से हम इसमें बराबर जो है लगा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा बराबर रहेगा आगे और पीछे। अब जो है हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी फ्रिल बनाना। अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो ज़्यादा बन लग जाएगी, और अगर बड़ी साइज़ की बना रहे हैं तो उसमें कम कपड़ा रहेगा, इसलिए कम थोड़ी छोटे छोटे जो है सर लगेंगे इसमें। तो इस टाइप से आपको एडजस्ट करके इसमें लगा लेना है, पूरे में गोलाई से लगा लेना है। आप देख सकते हैं बनने के बाद जो इस टाइप से दिखाई देगा, बहुत अच्छे से बनी है हमारी। अब जो हमें और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। अब जो मैं इसकी और फिनिशिंग करने के लिए जो ये कपड़ा अंदर सिलाई का आया है, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब जो है हमने पाइपिंग के लिए जो पट्टियाँ कट की थी उन्हें जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद जो हमारी आर्म होल है उसमें उन्हें लगा देना है। पहले सिंगल लगाना है उन्हें, और फिर उसके बाद जो है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और पूरे में गोलाई से सिलाई लगानी देनी। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स में जो है लगा देना है, इसी तरह की पट्टियाँ लगानी है। उसके बाद हमें शर्ट को उल्टा कर लेना है और बीच सेंटर में हमें इस तरीके से इतना बड़ा निशान लगा लेना है, और उसमें जो ये वाला इलास्टिक ऐड करना है, सिर्फ इतनी सी जगह में ही हमें ऐड करना है। अगर आपके पास पतला इलास्टिक हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे लगाना है, थोड़ा सा खींच के इसमें यहाँ तक सिलाई लगा देनी है निशान तक। ये जो हमारी बन के तैयार हो गई है। इस टाइप से आप देख सकते हो, अगर इसे और भी डेकोरेट करना है तो जो इसमें से बटन्स निकली है ये हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से इधर भी और इसी तरीके से इधर भी हमें लगा देना है। अब जो ये इसका बैक पार्ट है, ये जो मैंने इलास्टिक जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक खींच के, इलास्टिक को खींच के, कपड़े को नहीं खींचना है, लगाया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। बहुत प्यारी लग रही पहनने के बाद। इसे आप अगर शॉर्ट ड्रेस पहनते हो तो सिंगल भी पहन सकते हो, जींस पे भी पहन सकते हो, लेगी पे जैकेट के साथ भी पहन सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।